हजारीबाग में धर्मांतरण के विरोध में हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल बैठे धरना पर। उनका विरोध है कि सदर विधानसभा के दारू प्रखंड में 19 परिवार के 120 दलित का धर्मांतरण हुआ है। उनका आरोप यह भी है कि गरीबी का लाभ उठाकर ईसाई धर्म वाले हिंदू को लोभ लालच देकर उसका धर्म परिवर्तित कराते हैं। ताज़ा मामला यह है कि ISMC स्कूल पिपचू एवं चर्च के लोगों ने ऐसा काम किया है, इसलिए चर्च के सामने विधायक ने धरना दिया। विश्व हिंदू परिषद इसमें साथ थी। विश्व हिंदू परिषद के स्वामी सीतारमन जी ने बताया कि यह एक सांकेतिक धरना है, यदि समय रहते ये लोग नहीं सुधरे तो आने वाले समय में फिर जोर विरोध किया जाएगा। क्या था पूरा मामला, सुनिए उन लोगों की जुबानी। इसके बाद हम आपको सुनाते हैं हमारे संवाददाता भवेश मिश्रा की भेजी पूरी रिपोर्ट। भगाने की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं भाग जाएंगे। इनका बिजनेस बंद हो जाएगा, ये स्वयं भाग जाएंगे। इस बात पर सहमत है यहाँ के हिंदू। मेरे नाम है मेरा महेंद्र राम बिहारी, नाम है मेरा सत्यवाम। प्रमंडलीय मुख्यालय हजारीबाग में इन दिनों धर्मांतरण का मुद्दा जोर शोर से गरमाया हुआ है। अनेक प्रखंडों में होते हुए यह अब दारू प्रखंड में भी यह घटना देखने को मिली है, जिसमें ISM स्कूल मिशनरीज स्कूल पर इल्ज़ाम लगे हैं, मिशनरी चैरिटी पर इल्ज़ाम लगे हैं कि उन्होंने अपने विद्यार्थियों के द्वारा टोली बना करके गांव-गांव में दलित समुदाय को धर्मांतरण कर ईसाई धर्म में ला रहे हैं। इसी के विरोध में आज स्थानीय विधायक के द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन के द्वारा धर्मांतरण एक अपराध माना गया है। अब देखना यह है कि इस पर क्या कार्रवाई हो पाती है।